हाई एवरी वन वेलकम बैक टू कलाम कलाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप भी सोच रहे हो गे कि आज की क्या टॉपिक मैम पढ़ाने जा रही है वॉट इज दिस हरप्पन सिविलाइजेशन एट थाउजेंड ईर ओल्ड ऐसे कैसे हो गया बट दिस इज ट्रू अभी रिसेंटली द फेस थ्री ऑफ एक्सकविशन है

इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, ऐसे you know, कैसे हो गया, right? तो चलिए समझते हैं इस पूरे न्यूज को बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यिल्स एग्जाम के लिए ये टॉपिक हो जाता है बहुत बहुत शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास You should know something about your educators, right? So we have on Kalam Vimal Singh Rathore sir, Karthik Kurturu sir, who is also All India Rank 529,

यूपीएससी की जर्नी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मैं हमेशा बार बार ये चीज बच्चों के साथ शेयर करती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी चीज सक्सेसफुली आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे वहीं अगर डिसिप्लिन है कंसिस्टेंसी है तो समझ लो मुश्किल से मुश्किल चोटी भी आप फतेह कर सकते हो ठीक है तो यही हमारे कलाम के प्लेज इनिशिएटिव का पार्ट है डेली नौ बजे हमारा डीएनए सेशन होता है पांच बजे सी सैड की क्लास होती है इंपॉर्टेंट क्लासेस जैसे कि ये हो रही है करंट अफेयर की वो भी कंप्लीट करते हैं हम कंडक्ट करते हैं कलाम पर आप अपने आंसर्स को इवेलुएट भी करवा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो एवरीथिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म चलो लेट्स गेट स्टार्टेड सो वॉट इज दिस न्यूज ऑल अबाउट न्यू एविडेंस हैव कम अप

आपको पता है हम हमारे पेरेंट्स हमसे पेरेंट्स और हमारे बीच में 20 साल का गैप होता होगा राइट right? 20 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स का गैप रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ठीक है पहले 15 इयर्स का रहता था अब तो 20 पच्चीस छब्बीस तीस साल का गैप रहता है राइट इवन मोर देन थर्टी ईयर्स का भी गैप रहता है नाउ जब इतना गैप रहता है नो टेल आर पेरेंट्स बड़े हो वैसे तो वो एज वाइज हैं, बट हमको लगता है कि काफी बड़े हैं हमसे हमारे योगा पार्टनर सो हिज पेरेंट्स आर वे ओल्डर ठीक है तो दे आर समवेयर अराउंड ट्वेंटी सिक्स ओके तो बहुत ज्यादा टाइम गैप है ठीक है? अब वो क्या कहता है कि अरे मेरे पेरेंट्स तो बहुत ओल्ड हैं. My parents are very old, right? Are you know thinking that it never matches. Our opinions match. There is a generation gap. Now just imagine somewhere standing in front of someone standing in front of you, 8,000 years old, and he or she is more advanced than you. The technology, the quality of life that he or she is living, or the uh, the cities in which they are living, it was much more advanced than what you are experiencing right now. आप विश्वास नहीं कर पाओगे ना सेम चीज हुई है यहाँ पर ड्रेनेज लाइन्स वेल लेड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड इन दी हाउस यू विल सी देर इज अ अ इज डाइनिंग टेबल आर डिनर आठ हजार साल पहले डिनर सेट्स स्कर्ट्स हैं स्कर्ट्स पाई गई है आठ हजार साल पहले ओके सिट फॉर द अपर क्लास पीपल देन फॉर कॉमन पीपल देर इज अ लोअर प्लेटफॉर्म ऑफ हाउस ग्रेट बैथ वेयर रिचुअलिस्टिक वर्शिप इज डन राइट

मूल बंद आसना या मल बंद आसना एक ऐसा आसन है योगिक पोस्टर है जो बहुत साल की प्रैक्टिस के बाद आता है वो हमें देखने को मिलता है इन ईयर्स ओल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन सच एडवांस्ड सिविलाइजेशन स्पिरिचुअली योगा वाइज यू नो आर्किटेक्चरली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ एंड नाउ फाइनली वी हैव यू नो प्रूफ ऑल्सो हमारे पास प्रूफ भी है ए गए हैं

Dr Amarendra Nath he found North Harappan culture artifacts then second phase happened 2006 to 2013 professor basant shinde and his team used the dna test and they suggested it harappan civilization is 4000 years old civilization

ओके एंड दिस एक्सकवेशन इज लेड बाय संजय कुमार मंजुल एंड प्रबोध शिरवालकर फ्रॉम दी डेकन कॉलेज ऑलराइट ये पॉइंट याद रखना है एएसआई के डायरेक्टर हैं आपके संजय कुमार सर नाउ शिरवालकर सर हैज सेड दैट हरप्पन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स थ्री कल्चर ईस्ट हरप्पन मिडिल हरप्पन एंड दिस द थर्ड एक्सकवेशन व्हिच हैज बीन डन मॉडर्न हरप्पन इससे हमारे तीन फेज निकल कर आते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के ओके okay. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स दैट वी हैव डिस्कवर्ड सो फार फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज़ दे हैव बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स टाइम टू टाइम ओके फॉर एग्जांपल दिस वन इज माय फेवरेट अगर आप स्क्रीन पर देखोगे ये मेरा फेवरेट आर्टिफैक्ट है जो पाया गया है सील है इट इज अ पशुपति सील नाउ हियर ऑन द टॉप यू विल सी दिस पर्टिकुलर एरिया इज दी स्क्रिप्ट ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना दिस बॉक्स इट इज दी स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नाउ सम स्कॉलर्स दे से दैट is Bostrophedon. Bostrophedon means it was written from right to left. Right se left me and then left se right. Then right se left. Left se right. Is tarike se when you are writing it is known as Bostrophedon. Okay. Then some you know uh, historians they say that it is the rebus method which has been used to write this script.

ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इट इज द पिक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग ओके एंड दिस पशुपति सील इफ यू सी समथिंग इज रिटन विच इज स्टिल बट इन ऑन द स्क्रीन लॉर्ड ऑफ टाइम दे हैव आस क्वेश्चन ऑन वॉट आर द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन दी हर सिविलाइजेशन सो वी कैन सी इंडियन राइनोसिरोस अब आपने मोहन मूवी देखी है

राइट वाटर बफलो भी स्क्रिप्ट में देखने को मिल रही है सील में देखने को मिल रहा है हमारे बैठे हैं पशुपति नाथ हुनिमल विदेड गियर विद जूलरी एंड यू कैन सी मैं कर दिखाती हूँ आप ये देख रहे हो क्या है स्कॉट पोजिशन दिस इज हिज लेक्स ठीक है दिस इज नोन एज इसको बोलते हैं हाउ डू आई नो इट बिकॉज आई डू योगा आई प्रैक्टिस योगा एवरी डेना तो यहाँ पर माई योगा टीचर टॉटमी दैट दिस मूल बंद आसना इज वेरी हेल्पफुल इफ यू डू इट एवरी डे मतलब रोज अगर आप ये मूल बंद आसना कर रहे हो इट विल हेल्प यू इन दी old age because at the old age the many of the people majority of the old people they do not have full control over their urinary glands right but if you are practicing squat if you are practicing mool asana then it helps you to make your urinary uh, glands very powerful and they will become under they will come under your control

हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग वॉज यूज आप सोच सकते हो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में हम आज बात करते हैं इट वॉज यूज ड्यूरिंग द Indus Valley सिविलाइजेशन वॉटर हार्वेस्टिंग water सप्लाई सैनिटेशन डिवाइसेस कितना कुछ है जो इंडस वाली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है ठीक है दैट इज वाई you know I really get very excited जब भी कुछ कोई भी न्यूज अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूछी जाती है ठीक है या आई डिस्कवरी होती है सो बेसिकली हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सब पार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का ही ठीक है उतनी एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग थी उस टाइम पर देन यू कैन सी दीज आर द होल्स ठीक है हर एक यू uh, नो you know, कुछ मीटर के बाद कुछ होल्स हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन पर्पस ओके एंड आपको पता है वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम सो बेसिकली वॉट इज टू द हाउसेज वर कनेक्टेड टू वाइडर ड्रेन्स ऑन दी मेन स्ट्रीट्स तो घर से सारे घरों से जो पानी आ रहा है वो फाइनली आकर एक मेन ड्रेन से कनेक्टेड था जहां से पानी सारा फ्लश आउट होता था या फिर रिसाइकल होता था ठीक है एंड देन आई हैव क्रिएटेड दिस मैप एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय मी ठीक है मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक-ठाक है ठीक है तो इसीलिए मैं खुद से ही मैप्स वगैरह ड्रा करती हूं सो हियर दीस आर द प्रोमिनेंट साइट्स इन द सिविलाइजेशन राखी गढ़ी तो अब है ही हरप्पा कालीबंगन ठीक है कैमल बोन्स हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड एंड दिस इज़ द स्क्रिप्ट दैट आई वाज़ टेलिंग यू ऑल अबाउट मैं आपको स्क्रिप्ट के बारे में बता रही थी ना तो बोस्ट्रोफिडॉन दिस इज दी में दिख रहे हैं मोहन जुदारो मेंिसर स्टैचू डांसिंग गर्ल स्टैचू आई रिमेम्बर इन द फोकस बैच दैट आई टेकस बैच में क्लासेज लेती हूँ तो वहां पर आर्ट एंड कल्चर आई वॉज टीचिंग सो आई एक्सप्लेन टू माई स्टूडेंट इन द फोकस बैच दैट दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म इज दी डांस फॉर्म

ये सब चीजें जो है ना बहुत मिस्टिकल है किसी एक सिविलाइजेशन के बारे में जानना अपने आप पे एक मिस्ट्री को यू नो अनकवर करना जैसा होता है टाउन प्लानिंग वाज एक्सीलेंट आई टोल्ड यू दैट सिटीज वर देयर सिटीज हैड बाथरूम कोर्टयार्ड सिटीज में जितने भी हाउस हुआ करते थे वहां पर डिनर सेट्स पाए गए हैं बाथरूम कोर्टयार्ड पाया गया है दैट मीन एवरी हाउस इज अ बाथरूम ठीक है हर घर का एक बाथरूम हुआ करता था ओपन डेफिकेशन फ्री थी सारे हाउसेस ग्रिड सिस्टम तो इस तरीके से द रोड्स टू क्रॉस ईच अदर एट डिग्री एंगल कॉमन पीपल यूज टू लिव इन ब्रिक्ड हाउसेज इन लोअर टाउन सिटेडन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्लेटफॉर्म पे घर बने होते थे बिल्डिंग्स बने होते थे वे द रूलिंग क्लास पीपल यूज टू लिव सीडन वॉज ऑल्सो नोन एज एक्रोपोलिस यू हैव टू रिमेंबर दिस ठीक है देन कनेक्टेड एक न्यूज अभी कुछ साल पहले न्यूज पेपर में आई थी इट वॉज अबाउट दी वगाई वैली सिविलाइजेशन इन दी साउथ इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ दी वेरी हिस्टोरिक एंड एंशंट सिविलाइजेशन बिलोंगिंग टू द संगम एज ओके तो वगाई वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ठीक है सो so, इसके बारे में हम डिटेल्ड क्लास पढ़ेंगे आज तो हरपन सिविलाइजेशन की क्लास थी बट आई हैव गिवन यू अ हिंट की व्हाट यू हैव टू स्टडी नेक्स्ट सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज क्लास ये थी हमारी आज की क्लास द 8000 थाउजेंड ईयर ओल्ड हरपन फाइनली हैज बीन यू नो अ डेट हैज बीन नंबर ऑफ ईयर हैज बीन अलॉटेड टू इट आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास से काफी कुछ गेन किया हो नोट्स बनाए होंगे आई विल बी शेयरिंग दी डी एफ डोन्ट यू वरी एट ऑल वन आवर के बाद आफ्टर वन आवर आई विल बी शेयरिंग द क्लास नोट्स